हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं मिसेस अनु रॉय आप सभी बच्चों का कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। 3 लेक्चर वीडियो के माध्यम से हम हिंदी भाषा के सभी छोटे छोटे बड़े बड़े टॉपिक को कवर करते चले आ रहे हैं। कुछ हिस्सा आपका पत्राचार से बचा हुआ है, मैंने सोचा कि 1 लेक्चर वीडियो के माध्यम से उन्हें भी समझाने की कोशिश की जाए। लास्ट वीडियो में मैंने सारी चीजें बारीकी से आपको बताई है कि पत्र लेखन जो सबसे ज्यादा अंक का होता है, यानी कि 16 से 18 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी वह उसमें आशय, कभी अंतर, कभी विशेषता, कभी रचना शैली, कभी प्रारूप लिखने के लिए, तो कभी आवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहता है। कभी एक प्रश्न अलग अलग तरीके से दे दिया जाता है, कभी एक ही प्रश्न के दो हिस्से जो है वो होते हैं, तो इस आधार पर अंकों को बांटना होगा। यदि आपको एक प्रश्न कहता है कि अधिसूचना से आप क्या समझते हैं, एक अधिसूचना जारी कीजिए जिसमें इन इन बातों का उल्लेख हो, और अगर वह प्रश्न आपके 5 अंक का है तो मान के चलिए कि अधिसूचना से क्या आशय है वो 1 नंबर का हो जाएगा और बाकी जो है वो 4 नंबर के हो जाएंगे। या तो 2 नंबर आपका किसमें रहेगा, अधिसूचना के आशय में, और 3 नंबर उसके अंक में दिया जाएगा, ठीक है। और इस आधार पर आपको लेखन कैसे करना है, तो पत्राचार में चलिए एक और क्वेश्चन देख देते हैं कि अधिसूचना का एक प्रारूप तैयार कीजिए जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार में कार्यरत एक IAS अधिकारी को भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में अवर सचिव के रूप में नियुक्त किया गया हो। अब आपको एक सब्जेक्ट जो है वो दे दिया गया है। ऐसी सिचुएशन में सबसे पहली बात आप देख लेंगे कि कितना लाइन है, तो ध्यान रखिएगा कि ये 5 अंक का है, मतलब आपको अधिसूचना का प्रारूप तैयार करना है। इसमें अधिसूचना किसे कहते हैं नहीं पूछा है, मतलब आपको एक अधिसूचना की पर आपको आवेदन लिखना है, अधिसूचना जारी करनी है जिसमें विषय आपको दे दिया गया है, ठीक है। तो किसी प्रकार से इसमें आपके अंकों को बांटने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यही प्रश्न ये कहता कि अधिसूचना से आप क्या समझते हैं, एक अधिसूचना का प्रारूप तैयार कीजिए जिसमें इस बात का उल्लेख हो, तो नंबर को आप बांटते। लेकिन यहाँ पर नहीं कहा है तो नंबर को बांटा नहीं जाएगा। तो सबसे पहली बात ध्यान रखेंगे कि ये जो अधिसूचना है भारतीय राजपत्र में प्रकाशित होती है, जिस समाचार पत्र के साथ में उस सरकार का अनुबंध हुआ है, राज्य सरकार के द्वारा हो या आपके केंद्र सरकार के द्वारा, अगर वो राष्ट्रपति के आदेश से है, मतलब वह भारतीय प्रेस से संबंधित होगा, और अगर वो राज्यपाल से संबंधित है तो राज्य सरकार का जिस प्रेस के साथ में अनुबंध हुआ है वहां से ना प्रकाशित किया जाएगा। भारतीय राजपत्र के 4 भाग होते हैं, प्रत्येक भाग में अलग अलग विषयों को लिखने वाले पत्रों का एक खंड जो है वो होता है। पहला भाग जो है वो रक्षा मंत्रालय को, दूसरा भाग जो है वो रक्षा मंत्रालय के साथ प्रशासनिक अन्य मंत्रालय न्यायालयों को भेजा जा के लिए होता है, तीसरा होता है आपके अन्य क्षेत्र जैसे रेलवे डिपार्टमेंट है, आपका PSC डिपार्टमेंट है उनके लिए, और बचे खुचे जो होते हैं वो छोटे छोटे विभागों के लिए बांटा जाता है। दूसरी बात, जब अधिसूचना भेजी जाती है तब वहां पर स्पष्ट जो है वो लिख दिया जाता है कि भारतीय राजपत्र के किस भाग के किस खंड में इसे प्रकाश करना है, और पत्र को जब हम अधिसूचना छाप को राजपत्र प्रकाशित करने के लिए संपादक के पास भेजते हैं तो संपादक को बता दिया जाता है कि इतने तारीख से पहले इसे प्रकाशित किया नहीं जाएगा। तो मान लीजिए आपका क्या लिख रहा है, छत्तीसगढ़ सरकार, है ना, तो छत्तीसगढ़ सरकार कह रहा है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, छत्तीसगढ़ सरकार, है ना, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे कि आपकी अधिसूचना, तो इसको लिखने के लिए हमारी रूपरेखा क्या होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, भारतीय राजपत्र या छत्तीसगढ़ राजपत्र, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा हमारे लिए, छत्तीसगढ़ राजपत्र, ठीक है ना, ठीक। अब यहां पर आप क्या लिखेंगे, छत्तीसगढ़ राजपत्र के, छत्तीसगढ़ राजपत्र के भाग 1 के खंड जिसमें प्रकाशनार्थ, ठीक है ना, प्रकाशनार्थ, ठीक,
तो आपको क्या हो गया, छत्तीसगढ़ राजपत्र के, छत्तीसगढ़ राजपत्र के कौन से भाग में, किस खंड में इसे प्रकाशित किया जा रहा है, इसका उल्लेख जो है वो किया जाएगा। इसके बाद आपका क्या लिखेंगे, विभाग का नाम। ठीक है, तो क्या विभाग है आपका, कृषि मंत्रालय विभाग में, ठीक है ना, आईएएस अधिकारी है भारत सरकार के, इसे कृषि विभाग में क्या किया जा रहा है, भेजा जा रहा है। ठीक है ना, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, विभाग का नाम। ठीक है ना, जैसे कि कृषि विभाग। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका होता है यहां पर पत्र का क्रमांक होगा। ठीक है, यहां पर आपका स्थान और दिनांक होगा, यहां पर क्या होगा, स्थान और दिनांक होगा। ठीक, इसके बाद ना तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का हम किसी रूप में यहाँ पर संबोधन करेंगे, ना तो किसी भी प्रकार से हम यहाँ पर आपके विषय का संदर्भ का उल्लेख जो है वो करेंगे। ठीक है, यहाँ पर पत्र का क्रमांक लेफ्ट में और राइट में आ जाएगा स्थान और दिनांक, यहाँ बीच में लिख दिया जाएगा जैसे कि अधिसूचना। ठीक है ना, क्या लिख देंगे, अधिसूचना और अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, अब चूंकि ये छत्तीसगढ़ से लिखा जा रहा है तो छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति कौन है, राज्यपाल। ठीक है ना, तो अब क्या लिखेंगे, छत्तीसगढ़ सरकार में कार्यरत एक आईएएस ऑफिसर है जिसको भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में अवर सचिव रूप में प्रतिनियुक्त किया है। ठीक है ना, तो आप क्या लिखेंगे, राज्यपाल के अगले आदेश के अनुसार। ठीक है ना, राज्यपाल के अगले आदेश के अनुसार, या कह सकते हैं राज्यपाल के द्वारा निर्देशित अगले आदेश के फलस्वरूप, या कह सकते हैं। ठीक, तब क्या लिखेंगे, राज्यपाल के अगले आदेश जारी किए जाने तक, है ना। अब यहां से शुरुआत होगी, ठीक है ना, राज्यपाल के अगले आदेश जारी किए जाने तक छत्तीसगढ़ सरकार में कार्यरत आईएएस अधिकारी को भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में अवर सचिव के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर कोई भवदीय वगैरह नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, राज्यपाल के आदेशानुसार, राज्यपाल के आदेशानुसार। ठीक है, अब देखिएगा, जब राष्ट्रपति या राज्यपाल के तरफ से अगर कोई पत्र लिखा जा रहा हो तो इसको लिखने का अधिकार उच्च स्तर के अधिकारियों को होगा, सचिव, संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों को पत्र लिखने का अधिकार होता है। ठीक है, अगर इसमें राज्यपाल का हस्ताक्षर हो या ना हो, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो या ना हो, यदि यह राजपत्र में प्रकाशित हो गया तो साधारण से सूचना अधिसूचना बन जाती है। तो राज्यपाल के आदेशानुसार फिर यहाँ पर क्या होगा, उस अधिकारी का होगा हमारा हस्ताक्षर, फिर उनके पद का उल्लेख जो है वो किया जाएगा। ठीक है, अब ये कहां जाएगा, तो ध्यान रखिएगा कि ये पत्र जो है आपके किस में जाएंगे, आपके जो है वो अगले हिस्से में। अब हम किसको भेजेंगे, तो जहां पर इनको पदस्थ किया जा रहा है, अब यहां पर पत्र समाप्त हुआ, इसलिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, पत्र क्रमांक। ठीक है ना, कौन सा पत्र क्रमांक, जो हमारा पत्र क्रमांक ये है। ठीक है ना, ये जो पत्र क्रमांक होगा, ठीक है ना, उसको कहां मेंशन करेंगे, यहां पत्र क्रमांक डैश डैश डैश, या जो भी पत्र क्रमांक है। ठीक है, निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित। ठीक है ना, अब कह सकते हैं कि पत्र क्रमांक जो आपके है, यह निम्न व्यक्तियों को या निम्न अधिकारियों को, निम्न संस्थानियों को सूचनार्थ प्रेषित। ठीक है ना, अब यहाँ प्रतिलिपि वाला हिस्सा हो जाएगा, तो सबसे पहले किसको भेजा जाएगा, आपके कृषि मंत्रालय को भेजा जाएगा, तो कृषि मंत्रालय के प्रबंधक को भेजेंगे। ठीक है ना, कृषि मंत्रालय के प्रबंधक को भेजेंगे, तो उच्च स्तर से निम्न स्तर तक, तो सबसे पहले कृषि मंत्रालय के अधिकारी को भेजा जाएगा, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अधिकारी को भेजा जाएगा, उसके बाद किसको भेजा जाएगा, छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारी को भेजा जाएगा, ताकि छत्तीसगढ़ से अगर वो भारत सरकार के किसी मंत्रालय में ट्रांसफर होकर पदोन्नत होकर जा रहे हैं तो दोनों जगह को उनकी जानकारी का होना जरूरी है। इसके बाद क्या होगा, जिस प्रेस के साथ में उनका अनुबंध है, जिस समाचार पत्र के साथ में उनका अनुबंध है, वहां के प्रबंधक को यह पत्र जो है वो जितने प्रति में होगी उतने प्रति में भेजा जाएगा। और क्या कहा जाएगा कि भारतीय राजपत्र के इस भाग के इस खंड में
इतने तारीख को इसे प्रकाशित किया जाए, इससे पहले इसे प्रकाशित ना किया जाए और इसकी छाया प्रति जल्द ही भिजवा दी जाए। ठीक है। और अंत में यहां पर एक बार फिर से जो अधिकारी है, जो आपके अधिकारी कौन थे, जो अधिकारी आपके कौन थे, यहां पर हस्ताक्षर जो किया था उनका जो हस्ताक्षर है फिर यहां पर होगा। इसमें किसी प्रकार के भवदीय का या महोदय का इस्तेमाल किया नहीं जाता है। और ये हो गई हमारे लिए अधिसूचना की रूपरेखा। ध्यान में समझ में आ गया बेटा? ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अर्धशासकीय पत्र किसे कहते हैं, इसकी तीन विशेषता लिखिए। कितने नंबर का है? तीन नंबर का। ठीक है। अब देखने वाली बात है, डेढ़ डेढ़ नंबर बांट सकते हैं। ठीक है ना, कि विशेषताओं में आधा 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 नंबर है। और अर्धशासकीय पत्र किसे कहते हैं, इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है। ठीक है ना, अपने समकक्ष और कनिष्ठ स्तर के अधिकारियों को दिए गए प्रस्तावित कार्य के शीघ्र निपटान के लिए अगर एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को थोड़ा सा व्यक्तिगत होकर किसी प्रकार के पत्र व्यवहार को करता है तो उसे अर्धशासकीय या अर्ध सरकारी पत्र कहा जाता है। इतना आपने मेंशन कर दिया, अब यहां पर आप लिख देंगे विशेषता। ठीक है ना, विशेषता क्या लिखेंगे? सबसे पहली बात कि इसमें विशेषता के तौर पर हम किस चीज का उल्लेख करेंगे, तो विशेषता क्या होगी, यह पत्र दो शासकीय अधिकारियों के मध्य लिखे जाते हैं। यह पत्र दो शासकीय अधिकारियों के मध्य लिखे जाते हैं। ठीक है ना, सो दो शासकीय अधिकारियों के मध्य लिखे जाते हैं। ठीक है। दूसरी बारी, इसका प्रयोग भी शासकीय कार्यों का संपादन हेतु किया जाता है। इसका प्रयोग शासकीय कार्यों के संपादन हेतु होता है। ठीक है, अरे समझ में? ठीक। अगली बात, इसमें किसी भी प्रकार के भवदीय का, किसी भी प्रकार के महोदय और महोदया का विषय का उल्लेख नहीं होता है। किसी भी कार्य में अनुस्मारक भी भिजवा दिया है, फिर भी अगर यहाँ इसके प्रयोग हो रहे हैं तो इसकी भाषा शैली मित्रतापूर्ण होनी आवश्यक है। किसी प्रकार के ठेस पहुंचाने वाला या रिश्तों को खराब करने वाला होना नहीं चाहिए। भाषा सरल, सहज, शिष्ट और मित्रतापूर्ण व्यवहार शैली में लिखा जाना चाहिए। क्लियर हो गया? अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कि कार्यालय आदेश का एक उदाहरण पेश कीजिए। शासकीय सेवा की पदोन्नति संबंधी एक कार्यालयीन आदेश का नमूना पेश कीजिए। अभ्यर्थियों को पत्र लेखन में किसी प्रकार का अनुक्रमांक, पता और शहर का नाम लिखना मना है। तो ध्यान रखिएगा कि कार्यालय आदेश क्या होता है। तो आपको पता है कि कार्यालय में कार्य करने कर्मचारियों हेतु शासन के द्वारा दिए गए किसी भी प्रकार के आदेश, निर्देश, सुझाव या स्वयं कार्यालय के लिए किसी प्रकार के कार्य करने हेतु एक पत्र आदेश के रूप में जारी किया जाता है, उसे कार्यालय आदेश कहते हैं। ये पहले से मालूम है। इसकी रूपरेखा में क्या है, आपको एक एग्जाम्पल पेश करना है जहां किसी के प्रमोशन हुए हैं उससे संबंधित आदेश को पेश किया जाना है। अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने हमेशा बोला कि पत्र का क्रमांक लेफ्ट में और आपके स्थान और दिनांक राइट में होते हैं। कभी कभी आप यहां बिल्कुल लिख सकते हैं, जैसे कि हम यहां पर लिख सकते हैं भारत सरकार। ठीक है ना, भारत सरकार। अब यहां पर देखिए बेटा, शासकीय सेवा में पदोन्नति संबंधी कार्यालय आदेश है। अब भारत सरकार में विभिन्न प्रकार के मंत्रालय है, विभाग है, अनुभाग है, प्रभाग है, संभाग है। ठीक है। अब यहां पर आपको बंधन नहीं है कि किसके बारे में लिखना है। जैसे कि आपको इसमें बंधन था, ये वाले पत्र में बंधन था, इस वाले पत्र में क्या बंधन था, इस वाले पत्र में आपको एक बंधन था, जहां पर आपको क्या लिखना था, आपको कृषि छत्तीसगढ़ सरकार में कार्य करने वाले एक आईएएस ऑफिसर को भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में पोस्टेड करने वाली बात को मेंशन करना था। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर किसी भी प्रकार से आपको बंधन नहीं है। तो भारत सरकार के, मान लीजिए आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आप खाद्यान्न विभाग लिख सकते हैं, शिक्षा मंत्रालय लिख सकते हैं या स्वास्थ्य विभाग लिख सकते हैं। ठीक है ना, भारत सरकार के जिस भी मंत्रालय के द्वारा लिखा गया जा रहा हो। ठीक है ना, अब यहां पर है आपका पत्र का क्रमांक लिखेंगे।
ठीक है, यहां पर लिखा जाएगा आपका स्थान और यहां पर लिख दिया जाएगा आपका दिनांक, ठीक है ना। स्थान और दिनांक लिख दिए जाने के बाद किसी प्रकार इसमें न तो प्रेषक होगा न ही हमारे लिए इसमें किसी प्रकार से कोई प्रेषिति होंगे। चूंकि यह हमारा कार्यालय आदेश है इसलिए यहां पर बीच में मेंशन कर दिया जाएगा कार्यालय आदेश, ठीक है। यहाँ किसी प्रकार का प्रेषक नहीं, प्रेषिति नहीं, न ही विषय, न ही संदर्भ, न ही हमारे लिए संबोधन, किसी प्रकार की कोई चीज नहीं है। अब यहाँ पर आप किसी एक व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं कि शासकीय सेवा में पदोन्नति संबंधी एक कार्यालय आदेश का नमूना पेश कीजिए। आप लिख सकते हैं जैसे कि शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत पदस्थ, जैसे कि शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत पदस्थ निम्न स्तर के लिपिक को एक उच्च स्तर के पद पर, निम्न स्तर के लिपिक को उच्च स्तर मतलब क्लास टू ऑफिसर को क्लास वन ऑफिसर में, या किसी अधिकारी का प्रमोशन हो रहा है, ठीक है ना। तो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत पदस्थ उस व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं कि आपके अवर सचिव कह सकते हैं, किसी भी पद का एक उल्लेख कर सकते हैं, ठीक है ना, कि शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत पदस्थ, ठीक। तो कार्यालय आदेश के नीचे आप एक अंडरलाइन कर सकते हैं और क्या लिखेंगे, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत पदस्थ कनिष्ठ लिपिक को पदोन्नत करके उच्च स्तर के लिपिक पर पदोन्नत किया जाता है, या कहेंगे शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत पदस्थ कनिष्ठ स्तर के लिपिक को उनके पद के अनुसार उच्च स्तर के लिपिक के पद पर पदोन्नत किया जाता है, अगले आदेश तक वो यहाँ पर उच्च स्तर के लिपिक के पद पर बने रहेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर उस अधिकारी का नाम होगा, कौन होगा, इस कार्यालय का जो अधिकारी है उसका नाम होगा, जैसे कि श्याम राज कहता है उनका नाम है, ठीक है। क्या है वो उस कार्यालय के अंतर्गत, वो उप निदेशक है, वो कार्यालय में क्या है, उप निदेशक है। अब चूंकि इनकी प्रमोशन हो गई इसलिए अब इसकी जानकारी उन तक पहुंचाना है, इसलिए यहां पर क्या होगा, लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, यहां पर हमारे लिए प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित, तो पत्र का जो क्रमांक होगा यहां पर क्या लिखेंगे, पत्र क्रमांक डैश 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 की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित। अब यहां पर जो आपका पदस्थ अधिकारी है जिसको लिपिक है जिसको प्रमोट किया गया है उसका नाम होगा, ठीक है ना, आपके उस कनिष्ठ लिपिक का नाम होगा, ठीक है, उसके बाद में वहां के उच्च अधिकारी का नाम होगा, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन होगी और इस तरह कार्यालय आदेश को जो है वो जारी किया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्या कहता है, मकान देने की सूचना संबंधी एक ज्ञापन का प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। अब ज्ञापन क्या है, ठीक है ना, जन संचार के माध्यमों में से किसी एक माध्यम का सहारा लेकर बड़ी तीव्र गति से जब किसी सरकारी और गैर सरकारी संस्थान के द्वारा अपनी जो प्रगति है उसके प्रचार प्रसार के लिए, उत्पाद की बिक्री के लिए, अपने खरीदी और बिक्री की जानकारी देने के लिए जन सूचना को जन साधारण व्यक्तियों तक एक साथ पहुंचाया जाता है, तो ऐसी प्रक्रिया विज्ञापन कहलाती है। यह विज्ञापन के अंतर्गत देखा जाए तो शासन के अंतर्गत ज्ञापन होते हैं, इस ज्ञापन में हमारा सामान्य ज्ञापन होता है और एक होता है आपका कार्यालय ज्ञापन, ठीक है। कभी कभी गैर सरकारी संस्थान भी अपनी किसी प्रक्रिया उत्पाद आदि को जनता तक पहुंचाना चाहता है तो समाचार पत्रों का सहारा वो लेता है। जैसे कोई व्यक्ति ने मकान बना लिया, अब वो क्या करना चाहता है, उस मकान को किराए पर देना चाहता है, तो वो समाचार पत्रिकाओं में एडवर्टाइजमेंट जो है वो देता है। तो मकान देने की सूचना संबंधी एक ज्ञापन प्रस्तुत करना है, तो यहां पर आपको कुछ भी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है कि पत्र का क्रमांक नहीं लिखना है, क्योंकि पत्र का क्रमांक कार्यालय पत्रों में और शासकीय पत्र में अनिवार्य होता है, यहां पत्र का क्रमांक लिखने की उतनी अनिवार्य आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, आप विज्ञापन क्रमांक लिख सकते हैं, ठीक है ना, मकान की सूचना देने बाबत, मकान की सूचना देने बाबत। अब आप चाहे तो क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं किराएदार चाहिए,
ठीक है ना, किराएदार चाहिए लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, विज्ञापन क्रमांक, ठीक है ना। अब यहाँ पर मकान की सूचना देने बाबत, अब यहाँ पर क्या लिख दिया आपने, मकान की सूचना देने बाबत, और आप क्या लिखेंगे, जैसे कि आपका विज्ञापन क्रमांक, ठीक है। विज्ञापन क्रमांक में यहाँ से क्या शुरू करेंगे, यहां से आप लिखना जो है वो शुरू करेंगे। तो यहाँ लिख दिया आपने विज्ञापन क्रमांक, ठीक है ना, विज्ञापन क्रमांक एक्स वाई जेड। अब विषय क्या लिख दिया, मकान की सूचना देने बाबत, ठीक है ना। अब आप क्या लिख सकते हैं, जैसे कि ठीक है, लिख सकते हैं शंकर रायपुर, शंकर नगर, है ना, शंकर नगर श्री राम नगर फेज टू में, शंकर नगर श्री राम नगर फेज टू में एक मकान जिसे किराए पर देना है, जिसमें इतने बाय इतने का ये कमरा है, इतने बाय इतने स्क्वायर फीट का ये मकान है, जो सर्व सुविधा युक्त है, जिसमें 24 घंटे पानी की सुविधा है, बिजली की सुविधा है, इसके लिए जो भी व्यक्ति मकान लेना चाहता है दिए गए पते पर आकर हमसे मिल सकता है, या नीचे दिए गए नंबर पर हमसे बात कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके विज्ञापन खत्म हो गए, यहाँ पर क्या होगा, जो आपके समाचार पत्र में उसका जो प्रकाशन किया है उसके निदेशक का नाम जो है वो पद के अनुसार लिख दे रहा है, फिर निदेशक जो है वो लिख सकता है। और इस तरह आपको केवल वहां पर आपको मकान की सूचना देनी है ना, कि मकान की देने की सूचना देनी है, मतलब आपको कौन चाहिए, किराएदार चाहिए, ठीक है ना। तो किराएदार चाहिए, या आपको आप किराएदार चाहिए नहीं सकते, या फिर आप क्या कह सकते हैं कि आपका सड़क है जो आपके मेन रोड पर है, आप क्या कह सकते हैं, मालवीय रोड पर मेन रोड पर आधार पर एक नव निर्मित भवन आपके सुविधा के लिए उपयुक्त है, किसी भी बैंक को या किसी आपके आपके जो बैंक है या किसी भी आपके प्रशासनिक जो कार्य करने वाले हैं या किसी भी गैर सरकारी संस्थान को यदि ऑफिस की आवश्यकता है, तो आप तुरंत इस पर दिए गए पते पर विजिट कर सकते हैं, या आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो मकान देना है तो या तो आप उसको किसी व्यक्ति के रहने के लिए किराए के लिए देंगे, या तो किसी को ऑफिस के लिए देंगे, किसी को बैंक के लिए देंगे, यानी कि मकान नव निर्मित मकान है जिसकी क्या क्या है, उन चीजों को मेंशन करने के बाद में आपको उसे वहां पर लिखना होगा। और इस तरह पत्राचार में से आपको, मान के चलिए बेटा, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है, इन सभी चीजों में आप ये मान के चलिए कि पत्राचार से संबंधित प्रश्न में आपको 16 से 18 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। लास्ट वीडियो और अभी के वीडियो के माध्यम से मैंने कोशिश की है कि मैं आपको किसी भी प्रकार से भटकाव महसूस ना हो, तो बार बार बता रही हूं, यदि आपको 8 लाइन दिया जा रहा है और जहां 2 प्रश्न एक ही प्रश्न के अंतर्गत है, तो उसे 2 हिस्से में डिस्ट्रीब्यूट करिएगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि आपकी रचना की रूपरेखा की शैली थोड़ी भी अलग अलग हो जाती है या बिखर जाती है या कोई चीज लिखना भूल जाते हैं, तो मान के चलिए कि किसी भी प्रकार से पूरे अंक प्राप्त नहीं होंगे। अब तक के मेरे के अनुभव के आधार पर सबसे ज्यादा अंक में कटौती आपके संक्षेपण में होती है बेटा, और सबसे ज्यादा अंक में कटौती पत्र लेखन में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि बाकी सब तो वन लाइनर क्वेश्चन है, अनसीन पैसेज हो गया, ट्रांसलेशन वर्क हो गया, या आपके लिए पत्र लेखकारिता हो गई, या आपके हिंदी लिटरेचर की हिस्ट्री हो गई, ये तो आपके वन लाइनर होते हैं। पर जो आपका संक्षेपण है उसमें सबसे ज्यादा अंक कटते हैं, कब? जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी ना हो तब। पत्र लेखन भी आपके डेली प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। शासन के अंतर्गत ध्यान रखिएगा बहुत सारे विभाग हैं, रूपरेखा नहीं बदलती। जैसे बचपन में हमने क्या किया था कि हमें आज तक दिमाग में स्कैन है कि आई बैक टू से दैट वाला या सादा संनम्र निवेदन है वाला, तो केवल सब्जेक्ट चेंज होते थे ना। शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन पत्र लिखना हो तो रूपरेखा वही रहती थी, केवल मैटर चेंज होता था, है ना। इसी प्रकार पिकनिक में जाना है तो मैटर चेंज होता था, अगर आपको छुट्टी का आवेदन देना है तो मैटर चेंज होता था, बाकी रूपरेखा या फॉर्मेट में कोई चेंजेस नहीं था ना। वैसे ही शासकीय पत्र के अंतर्गत जितनी भी चीजें हैं उन सभी की रूपरेखा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, बशर्ते हमारा मार्गदर्शन और आपकी मेहनत ही आपको पूरे अंक दिला सकती है। तो लेक्चर वीडियो के माध्यम से एक एक चीजों को बारीकी से ध्यान में रखते हुए
मैंने पूरा का पूरा व्याकरण खंड और पूरे के पूरे साहित्य खंड की चर्चा 4 लेक्चर वीडियो के माध्यम से संग्राम सीरीज में आपको एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करती हूँ यह आपकी परीक्षा के लिए आपको बहुत कामगार साबित होगा। इसकी प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है यह आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। बार बार मैं कह दूं, हिंदी में 60 और 40 का एक हिस्सा लेकर चलिएगा, जहां 60% हिस्सा आपको क्या करने का, याद करने का है, तो 40% हिस्से में कुछ समझने का है और कुछ डेली प्रैक्टिस का माना जाएगा। डेली प्रैक्टिस है आपका संक्षेपण, पठित गद्यांश और पत्र लेखन, ये आपकी डेली प्रैक्टिस है। पर डे कम से कम आधा घंटा से एक घंटा इसके लेखन की प्रैक्टिस में आपको देनी होगी। हालांकि समय नहीं बचा है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आधा घंटा तो निकाला जा सके कि एक जो पैराग्राफ है वही पैराग्राफ आपको अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करा दे, वही ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करा दे और वही आपको प्रेसिस राइटिंग की प्रैक्टिस करा दे। लेकिन चूंकि प्रशासनिक पत्र के अंतर्गत हम देखते हैं तो शासन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विभाग हैं, विभिन्न प्रकार के मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, खाद्यान्न विभाग है, जल विभाग है, विद्युत विभाग है, हर प्रकार के विभाग में अलग अलग प्रकार की अलग अलग कार्यविधि को लेकर पत्र व्यवहार किया जाता है, लेकिन फॉर्मेट चेंज नहीं होता। तो हर पत्र का जो फॉर्मेट होता है वो ध्यान में रखना जरूरी है। यदि आपको सिर्फ ये कह दे कि अर्धशासकीय पत्र का एक प्रारूप लिखिए, तब आपको सिर्फ फॉर्मेट में आपको लिखना है। यदि विषय दे दे, आपको कह दे कि एक नमूना लिखिए जिसमें इन बातों का उल्लेख हो, दैट मीन आपको आवेदन प्रस्तुत करना है। उम्मीद करती हूं आप सभी को चीजें समझ में आई होंगी। अब मेरी मुलाकात आपसे होगी उस 50 नंबर के हिस्से में को लेकर, जो प्रश्न पत्र प्रथम में तीसरा हिस्सा रखता है, जो होगी छत्तीसगढ़ी बोली और भाषा से संबंधित प्रश्न। उसकी रणनीति क्या होगी, किस प्रकार वहां उत्तर लेखन करना है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो मेरा जवाब कैसा होना चाहिए, इन चीजों को लेकर मैं फिर से आपके सामने उपस्थित जो है वो हो जाऊंगी। क्योंकि 4 लेक्चर वीडियो हिंदी के हो गए और आपके अन्य वीडियो के माध्यम से आपको समझाने के लिए आपकी लेखन शैली क्या होनी चाहिए इसको लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगी। तब तक अभी तक मेरे साथ जुड़े रहे हैं, बने रहे हैं, उम्मीद करती हूँ छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए भी आप मेरे साथ यूं ही बने रहेंगे। तो मेरे सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार, थैंक यू सो मच, लव यू एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल माय बच्चा।